Hey my viewers, it's Sarcastic here, और आज the most awaited video is here, the Q&A video. तो ये सवाल सबसे कॉमन है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? और इसका आंसर है नो. मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन में समझ रहे हो? और ये सवाल मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है यार, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते? तो भाई मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, यहाँ पे चैनल ही तो ये. तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल है. तो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, उसका मैंने तो आंसर दे दिया है. और डू यू प्ले पबजी और फ्री फायर? मैं दोनों गेम खेलता हूँ. योर रिएक्शन ऑन 1 मिलियन सब्सक्राइब? भाई मैं तो मर ही जाऊँगा भाई साहब, पहले 1 लाख तो होने दो. और मैं देख रहा हूँ 2-3 सवाल आए हैं लव फ्रॉम बांग्लादेश से, तो थैंक यू गाइस बांग्लादेश से वीडियो देखने के लिए. और अगला सवाल है ये, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? अरे भाई अभी तो मैं 1K पे रीच हुआ, मतलब 3K हो चुके हैं, और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक. तो मुझे व्यूज़ देते रहो तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे कितने, मतलब मैं कितना कमाता हूँ. ओके नहीं. और नेक्स्ट सवाल है ये, मतलब ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, मतलब 2-3 लोगों ने पूछा है कि स्कैस्टिक 5 दिन में इतने सब्सक्राइबर कैसे बने, सीक्रेट बता. तो सीक्रेट कोई नहीं है, ऐसे मेरी वो 1 वीडियो वायरल हो गई जो कि मिथपैट प्लेडेट एडिट था, तो वो वायरल हो गई, उसको शायद 5 लाख के ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं अभी, तो इसीलिए वो मेरे सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ गए. और ये सवाल, योर रिएक्शन ऑन 1K सब्सक्राइबर, मतलब एक बंदा है 80% गेमिंग नाम का, उसने भी पूछा था, वो 3K का था रिएक्शन. सॉरी ब्रो, मेरा फेस रिवील नहीं है, मैं रिएक्शन नहीं दिखा सकता, मतलब मैं बोल के दिखा सकता हूँ मतलब कैसा लगा था मुझे. मुझे स्टार्टिंग के 800 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा थी. और बाद में तो पता चल गया था यार 1K सब्सक्राइबर तो होने ही वाले हैं, तो इतना कुछ खास नहीं रहा. और 3K, अब 3K हो चुके हैं मेरे, तो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि 10K बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं. तो गाइस करवा दो जल्दी. तो ये सवाल, बहुत से सवाल पूछे इस बंदे ने एवेंजर स्टूडियो, मतलब सच्ची का तो एवेंजर स्टूडियो नहीं है बताए मुझे. और उसका पहला सवाल है, गेमिंग कब अपलोड करोगे? अरे जल्दी ही करूँगा भाई, माइनक्राफ्ट की वीडियो आने वाली है तो देखना ज़रूर. और फेस रिवील को तो कुछ आइडिया नहीं, कभी भी कर सकता हूँ, मतलब 10K पे भी कर सकता हूँ, 50K की भी कर सकता हूँ, ज़्यादा चांसेस है 1 लाख हो गए तो ही कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा अमाउंट रख दिया लेकिन 1 लाख पे देखेगी. और टेल योर जर्नी फ्रॉम 0 to 3000 सब्सक्राइबर, नहीं बता सकते यार, ये बहुत छोटी जर्नी होगी, मतलब बहुत ऐसे आसमानों तक छूना चाहिए हम लोग, तो मैं बताऊंगा जर्नी. और भाई ये का बवास है, नॉट सब्सक्राइब 99% और सिर्फ 1.0% ने सब्सक्राइब किया, भाई क्या इज्जत है कि नहीं. देखो गाइस आप ऐसा करते हो यार, सब्सक्राइब करो यार, सिर्फ भाई देखो सिर्फ 1% लोगों ने किया है. भाई मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालता हूँ, चेक करो उसको, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो यार. और भाई डेक्सटन गेमिंग का सवाल है कि इंसान क्यों, भाई माफ़ कर दो मुझे, इंसान नहीं बनना था, मुझे प्राणी बनना था, तो गलती से बन गया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में, तो माफ़ कर दो. वैसे ड्रेक्सटन गेमिंग एंड्रॉयड एडिट मोंटाजेस बनाता है, उसको इंस्टाग्राम पे DM भी करके देखो, वो पेड मोंटाजेस बनाता है. और उसने मेरा थंबनेल भी बनाया था, जो कि लाइफ टाइम में मैं थंबनेल यूज़ करता हूँ ना, वो उसने बनाया. तो गाइस जाओ आई बटन पे लिंक करी होगी, उस चैनल को चेक करो और सब्सक्राइब भी कर दो. सच में गाइस आपको मेरा नाम नहीं पता असली? तो गाइस मैं बता देता हूँ, स्केचस्टिक ये नाम मैंने क्यों रखा. तो स्केचस्टिक का S मतलब सिद्धेश, जो कि मेरा नाम है, और आगे क्या मतलब स्केचस्टिक का एंड पे आता है K, और K का मतलब है कांबड़े. मेरा नाम है सिद्धेश कांबड़े, क्या बोला मैं, स्केचस्टिक कांबड़े बोल रहा था अभी. और यहाँ पे एक सवाल है, कृतिका नाम के लड़की ने ना, अच्छा लड़की है, ठीक है. और उसका सवाल है कि वाह अपना रिएक्शन दिखा देना सर, अरे सर वेट मत बोलो. और वो मैं रिएक्शन नहीं दिखा सकता, मैंने पहले ही बोला है, तो सॉरी. सो इसका सवाल है कि विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्लीज टेल. तो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मैं मोबाइल से एडिट करता हूँ, और मेरा मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर डायमंड. और डायमंड में यूज़ क्यों करता हूँ, मतलब आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन डायमंड की खासियत ये है कि वो एक्सपोर्टिंग थोड़ा फास्ट होता है नॉर्मल वन से, और उसकी MB भी लेस होती है। मुझे MB बहुत मतलब कम MB वाला चाहिए वीडियो, इसलिए मैं काइंड मस्टर्ड डायमंड यूज़ करता। तो यहाँ पे एक सवाल है, हाउ मेनी परसेंटेज आई विल गेट इन 9th स्टैंडर्ड फाइनल एग्ज़ाम। बहुत मैथमेटिशियल साइंटिफिकल साइंटिशियल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे आंसर मिला है कि तुम्हें पड़ेगे 78% शायद। देखो बता देना बाद में मुझे उतने ही पड़े या ज़्यादा कुछ या कम, ठीक है गाइस। यहाँ पे ही 1 के स्पेशल Q&A का एंड होता है, और बहुत से क्वेश्चन रह गए होंगे शायद, तो सॉरी फॉर दैट। और लेट मतलब कोई कोई ने लेट भी किया है सेंड, तो मैं लेट नहीं पढ़ सकता, सॉरी। मतलब अभी भी कर रहे होंगे कुछ कुछ लोग, तो मैं वो नहीं पढ़ सकता। तो आप बाद में मैं कब बोलूँगा तब करवा देना वो क्वेश्चन जो भी आपको पूछने हैं वो रह गए वो। तो आपको मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, और ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो। और हमारे कंप्लीट हो चुके 3.5K सब्सक्राइबर, सो थैंक यू। अब हमारा गोल है 10K, मतलब गोल नहीं, आपको करवा देना हो तो करवा दो, ना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ठीक है गाइस, आपको मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट तक देखने के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 कोठी बंगला कार और प्यार सब खरीद सकते हैं हम यार।